और रख रहा हूँ, आज शाम तक हम हिमाचल प्रदेश की सरकार को नोटिस दे देंगे कि जो आज ये बहुत त्रासदी जो भारी वर्षा से हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मची है, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। और जो प्रावधान भी है वो ना के मात्र प्रावधान है, लोगों को रिलीफ देने के लिए, लोगों को राहत देने के लिए। मकान लोगों के दरारें आ गई है, टूटने शुरू हो गए हैं, लेकिन जो फौरी राहत क्षति की मिलती है वो मात्र 12,500 रुपया है, ये सफिशिएंट नहीं है। और हम समझते हैं कि आप प्रावधान को बदलें, ऑर्डिनेंस ला के बदलें, जैसे मर्जी बदलें, आपको बदलना है। और कम से कम जहाँ पर आंशिक क्षति मकानों को पहुंची है 60,000 आपको देने हैं, और जहाँ पर मकान टूट गए हैं और ढह गए हैं और वो रहने लायक बचे नहीं हैं, वहाँ पर हम समझते हैं आपको कम से कम 5,00,000 का प्रावधान करना होगा। क्योंकि अभी सेब का सीजन चल रहा है और दूसरी फसल भी चल रही है, गोभी चल रही है, टमाटर भी चल रहे हैं, जहाँ इस प्रकार का नुकसान बगीचों को हो गया है वहाँ पर आप अपनी टीमों के हॉर्टिकल्चर की टीम को रेवेन्यू विभाग को आप भेजें, और जो 50% जो लॉस जो उसका वैल्यू है, क्रॉप का वैल्यू है, उसका 50% आपको राहत के रूप में देना है। अगर आप इसको करने में सक्षम नहीं होंगे तो मैं समझता हूँ सरकार नज़र नहीं आएगी, और लोगों में आक्रोश फैल रहा है और लोग बहुत घबराहट में चले गए हैं क्योंकि उनका जीवन यापन समाप्त हो गया है। तीसरी बात है, जितनी भी देहात की सड़कें हैं, जो लोगों की लाइफलाइन है, जो जीवन यापन जिसके जरिए चलता है, वो सारी की सारी समाप्त हो गई है। इसलिए आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत उन सारी सड़कों को खोलना है, और ये खोलने की जिम्मेवारी सरकार की होनी चाहिए। पंचायतों के पास कोई धन राशि नहीं है जिसके जरिए पंचायतें इन सड़कों को खोल सके, इसलिए सरकार हस्तक्षेप करे और ये दे। और आखिरी बात है, जो ये लंपी वायरस है जो फैल गया है, पेट नहीं है, और मेरी जानकारी में जो ऊपरी शिमला में है, शिमला के इर्द गिर्द तो कुसुमती के इलाके में ये काफ़ी फैल चुका था, लेकिन अब ये रिपोर्ट आई है ये ऊपरी इलाकों में भी ये पहुंच गया है। लेकिन जिस तरीके से वैक्सीन की ज़रूरत थी वो वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, तो अगर इन चीज़ों को एक हफ्ते के अंदर सरकार करने में सक्षम नहीं होगी तो लोगों के पास सरकार को जगाने के लिए और इन सुविधा को हासिल करने के लिए कोई चारा बचेगा नहीं आंदोलन के अलावा।